हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उमेर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो लिंक स्कोर कार्ड का था वो एक्टिव कर दिया गया है और आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। जहां से आपने फॉर्म डाला था उस जोन की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाकर के रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आपका पूरा स्कोर कार्ड खुल करके आपकी आंखों के सामने होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर बड़े हैं और आपका जो रो स्कोर था वो कितना था, कितने नंबर तुम्हारे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए हैं, क्या आपका परसेंटाइल स्कोर है। तो अब आप सब कुछ देख सकते हैं। देखिए, मैंने भोपाल की एक वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो जैसे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका स्कोर कार्ड का, पहले ही आपको लिंक दिया गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। और यहाँ देखिए, स्कोर कार्ड है ऊपर, देखिए यहाँ है कैंडिडेट रेस्पॉन्स और यहाँ है आपका स्कोर कार्ड। तो आपको स्कोर कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप स्कोर कार्ड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका पूरा स्कोर कार्ड खुल करके आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं कि आपका जो पेपर था 100 क्वेश्चन का पेपर था, यानी कि 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर का था। टोटल वैलिड क्वेश्चन, यानी कि जो कुछ क्वेश्चन इग्नोर हो जाते हैं, जैसे कि जब रेज लगाया जाता है तो हो सकता है कोई क्वेश्चन हटा दिया जाए, लेकिन इनकी शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं हुआ, कोई भी क्वेश्चन इनकी शिफ्ट से हटाया नहीं गया, यानी कि इनके 100 के 100 क्वेश्चन पर ही इनकी मेरिट बनी है। और जो इनका जो अटेम्प्ट था, और इन्होंने जो अटेम्प्ट किए थे 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और जो इनके करेक्ट थे वो 72 करेक्ट थे, और जो इनका आंसर, इनके इनकरेक्ट जो आंसर थे, इन्होंने जो रॉन्ग दिए थे वो 11 के इन्होंने रॉन्ग आंसर दिए थे। इसके बाद में जो इनका रो मार्क था, रो यानी कि कट पिट करके, यानी कि कटने के बाद में इनके जो रो मार्क बने थे वो बने थे 68.33, जो 68.33 बने थे। ऐसे ही देखिए, प्रोरेटेड मार्क भी इनके 68.33 हैं। अगर हो सकता था यहाँ पर दो क्वेश्चन रेज हो जाते और इनका जो नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन थे जो अगर 98 होता यहाँ पर, तो 68 की जगह यहाँ कुछ नंबर और बढ़ जाते, हो सकता है ये 70 हो जाते। फिर देखिए, यहाँ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, इसलिए इनके 68 के 68 ही रहे हैं। इसके बाद में देखिए, नॉर्मलाइज स्कोर जो है इनका, ये है 80.64, यानी कि 80.64 है, तो लगभग इनके 12.5 नंबर करीब इनके बढ़ गए हैं। इसके बाद में देखिए, जो इनका परसेंटाइल स्कोर है वो है 99.68, यानी कि 100 से थोड़ा ही कम रह गया है। इनका बहुत ही अच्छा स्कोर है, यानी कि 7200 में से 72 करने पर ये 99 को क्रॉस कर गए हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, आपका भी अगर ऐसा स्कोर होगा तो आप भी इतना स्कोर अटेम्प्ट कर पाएंगे, इतनी परसेंटाइल पे आप पहुंच पाएंगे। देखिए, ये नहीं है कि आप 90 करेंगे तभी 100% के आसपास आप पहुंचेंगे। देखिए, 72 करेक्ट करने पर भी ये 100% के नजदीक ही पहुंच गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट एपियर इन द शिफ्ट विद प्रो रोटेट रो मार्क इक्वल टू और लेसन। ये जो है 6046 जो बच्चे हैं, या तो इनके इक्वल हैं या फिर इनसे कम है, यानी कि इनसे कम है या फिर इक्वल है इस वाली शिफ्ट में। इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु एपियर इन द शिफ्ट, यानी कि जो टोटल कैंडिडेट एपियर हुए थे इनकी शिफ्ट में, वो है 6065, यानी कि 6065 छात्र एपियर हुए थे। तो देखिए, इस तरह का स्कोर कार्ड है। आप देख सकते हैं कि कितने आपके रो मार्क हैं, कितने प्रोरेटेड मार्क हैं। देखिए, किसी किसी का जो ये स्कोर रो मार्क है 68 दिखाएगा और यहाँ पर प्रोरेटेड मार्क और कुछ हो सकता है। ये कब होगा? जब यहाँ पर जो आपके टोटल वैलिड क्वेश्चन या तो 99 होंगे या 98 होंगे या 97 होंगे, 96 भी हो सकते हैं, तो वहाँ अगर यहाँ आपके कम होते हैं तो ये वाला जो स्कोर है आपका प्रोरेटेड मार्क वाला स्कोर है, ये आपका रो मार्क से बढ़ जाएगा। अगर आपके रो मार्क 55 है तो यहाँ पर आपके 57 58 कुछ भी हो सकते हैं। इसी हिसाब से आपके नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ सकते हैं। तो देखिए, आपका स्कोर कार्ड आ चुका है और आप इस तरह से अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर बढ़े हैं, कितने प्रोरेटेड मार्क हुए हैं। तो ये सब कुछ आप जान सकते हैं अपना स्कोर कार्ड देखने के बाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।